अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक और कलेजी की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। इसके लिए हमने 2 पाउंड बीफ लिवर ली है, इसको हमने एक बार धो लिया है, इसमें एक लेमन को जूस कर लिया है, एक अनियन को ग्रेट कर लिया है। कलेजी को एक बार वॉश करने के बाद एक पैन में डाल के इसमें हमने ग्रेटेड अनियन और लेमन जूस लगा के थोड़ी देर के लिए कलेजी को रख दिया और एक बार इसको पानी से वॉश कर लिया। ड्राई स्पाइसेस में होंगे कोरिएंडर पाउडर 3 टेबलस्पून, पपरिका 1 टेबल टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टूमेरिक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून क्रश रेड चिलीज। 3 प्याज़ों को लेके हमने इसमें फ्राई कर लिया है, ये 1 कप के आसपास फ्राइड अनियंस हैं। 1/2 कप के आसपास इसमें ऑयल जाएगा, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के हैं और 1/2 बंच हरा धनिया जो है वो है। एंड में इसमें जो है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून साबित धनिया। 1 कप योगर्ट जाएगा। सबसे पहले पैन में हमने ऑयल को डाल दिया है, इसमें अपनी कलेजी ऐड कर ली है और इसको मीडियम हाई से मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लेंगे कलेजी। थोड़ी देर में कलेजी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी, इस पानी को हम हाई हीट पे ड्राई आउट कर लेंगे। जब पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाएगा तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और आपस में मिक्स कर देंगे उसे। स्टेज पे हमने फ्राइड अनियन को ऐड कर दिया कलेजी के अंदर और अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया। प्याज को मिक्स करने के बाद अपने ड्राई स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कलेजी में और फ्लेम को लो पर रखेंगे स्टेज पे और ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गरम मसाले मुजाफे भी मिलेगी, 1 मिनट ही लगते हैं और जब आपको हल्की सी से अरोमा आने लगे स्पाइसेस की तो उस पेज पे हम 1 कप योगर्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देंगे। उसे पेज की फ्लेम को हम मीडियम हाई और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। चमचा अच्छी तरह से चलाते चला है ताकि कलेजी लगी नहीं और थोड़ी देर को कलेजी को छोड़ देंगे। जब ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा इस स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला और सॉल्ट ऐड कर देंगे और साबुत धनिया अपने हाथ से क्रश करके वो भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद मिनट के लिए सिमर होने देंगे। जब आपका ऑयल ऊपर आ चुका हो तो ये कलेजी आपकी रेडी हो चुकी है।
इसे डिश आउट कर लेंगे। इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से, हरी मिर्चों से, टमाटर से, और इट्स रेडी टू सर्व। ओके व्यूअर्स, फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।